हाय नमस्कार, मेरा नाम एंडी और आप देख रहे हैं हॉलीवुड न्यूज़। कुछ भी शुरू करने से पहले हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें, सेम नाम से फेसबुक पे पेज लाइक एंड फॉलो दबा के। इसके अलावा अगर आप हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पे सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके जरूर सपोर्ट करें। चलिए करते हैं बात। आज मैं उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था, जिन्होंने उत्तराखंड के गीतों को राह दिखाई। हम उत्तराखंडियों के लिए मिसाल है, वो कलम के बादशाह एंड सिंगिंग के लेजेंड। अगर मैं इनकी तुलना बॉलीवुड के दादा साहब फाल्के, जो लेजेंड है, एंड केएल सहगल साहब से करूं, दिल जलता है तो जलने दे, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। या उनकी तुलना इनके साथ करूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा मेरे लिहाजा से। एंड इसके अलावा जिन्होंने उत्तराखंड के गीतों को देश दुनिया भर में पहुँचाया, वो है उत्तराखंड के स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही। ये हमेशा एक बात कहते थे कि जागर गाया और सुना करो, ना कि इंग्लिश गाने। तो चलिए आज इन्हीं को याद करते हुए, इन्हीं को ट्रिब्यूट, इनके ही कुछ बेहतरीन गाने। वैसे तो इनके सारे गाने, सारे जागर बहुत ही अच्छे, बहुत ही लोकप्रिय रहे, लेकिन इन्हीं की याद में कुछ ऐसे नगमे हो जाएं, कुछ ऐसे गाने हो जाएं जो आपके, हमारे और खुद इनके दिल के बहुत करीब थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला गाना यानी जागर, चैता की चैतवाली। इनका कहना ये कि जो जागर, जो शब्द होते हैं, वो अपने आप निकलते हैं। यानी कि जागर परंपरा में शब्द निर्धारित नहीं होते, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वादन, डमरू, थाली, धुन खराब ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें इन्होंने सिखाया। अब बात करते हैं एक लोकप्रिय गाना, इस गाने की तारीफ जितनी ज़्यादा करो उतनी कम है। आज भी ये गाना की अगर बात करूं, टिकटॉक में आपको मिल जाएगा, हर जो है सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म में ये गाना मिल ही जाता है। लेकिन इसके असली हकदार स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी है। एंड अगर मैं इनके बारे में बात करूं, बॉलीवुड की अगर आपने लेजेंड लोगों को सुना होगा, मन्ना डे, हेमंत कुमार, मुकेश कुमार, केएल सहगल साहब, आवाज़ें कितनी मिलती जुलती हैं, ज़रूर सुनिएगा। वैसे मैं आज के ज़माने का लड़का हूँ, लेकिन मेरे ख्याल पुराने हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाना आता है हाय तीले दारू बोल मधुली पीरा, कुछ ऐसा गाना है, माफ़ कीजिएगा इधर उधर हो गया, लेकिन गाना बहुत ही ठका आता है। उनकी आवाज़ में कितना ठहराव है। उसके बाद गाना आता है हिट वे सुवा। ये गाना एक्चुअली, पहले इस गाने को हल्का फुल्का सुन लेते हैं। वाकई ये गाना मतलब हिट करता है बॉस, और इंग्लिश वाला हिट नहीं है, हिट मतलब चलना। मैं भी पहाड़ी हूं, जितना मैं जानता हूं, हिट मतलब चलना। तो चलिए मैं क्या जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो गाना जो खुद इन्हीं का बहुत ज़्यादा पसंदीदा, यानी कि जब भी ये इन्हें टाइम मिलता था तो ये गाना वो ज़रूर सुनते थे, वो गाना है हिलमा चांदी को बटना। हिलमा चांदी को बटना, शब्द देख रहे हो, पकड़ देख रहे हो, तालमेल देख रहे हो। वाकई यार, अगर आपको गाने का शौक है तो शब्द अंदर से निकलते हैं, और ये मुझे लगता है कि इन्हीं से सीखना चाहिए। उसके बाद गाना बहुत ही प्यारा है, स्वर्ग तारा जुनियाली रात। स्वर्ग तारा जुनियाली रात, जुनियाली रात को सुन लो। एकमात्र ऐसा गाना है ये भाई साहब। इस गाने की अगर बात करूँ, इसकी तुलना में कोई भी गाना नहीं टिक पा रहा है, कोई भी गाना। जी हाँ, उसके बाद बहुत ही प्यारा गाना, तू किले नहीं आई। सर मुंगा पंथनी है मुंगा, मुंगा रोम चली है मुंगा, किले नहीं है ची मुंगा, डांडा का सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा मजा आ रहा है। आज जो है हमारे उत्तराखंड के लेजेंड स्वर्गीय श्री
चंद्र सिंह राही जी के इतने प्यारे प्यारे गानों को सुनकर वाकई यार बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना है रंगीली भाना, और रंगीली भाना कुछ ऐसा गाना है, गाना लेकिन बड़ा प्यारा झकास है। भाना है रंगीली भाना दूर आजे बांज कटना। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, इनके जितने भी गाने हैं आपको सिमिलैरिटीज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, जैसे बहुत सारे आज के सिंगर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके हर गाने में आपको सिमिलैरिटीज नज़र आएंगी, वो धुन वो शब्द, लेकिन ये एकमात्र ऐसे शख्स जिनके गाने अलग ही हैं, शब्द देख लो गानों में अलग ही हैं, और एकमात्र ऐसे शख्स, माफ़ कीजिएगा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके जो है ज़्यादातर गानों को रिक्रिएट किया गया है, रिक्रिएट, वो भी एक बार नहीं हज़ारों बार, कभी नोटिस कीजिएगा। उसके बाद वो गाना बड़ा ही प्यारा यार, बिगड़ैली बसंती। बिगड़ैली बसंती हिट ले धमादम तेरी कुटियों के बजानी बजली। अच्छा मेरे को लगा था कि गाने के बारे में मैं आपको बता दूं, क्यों कर दी मिस कॉल, एक मिनट भैया अभी मत प्ले करना यार, मिस कॉल मुझे लगता है ये हमारा ज़माना है कि लोग मिस कॉल दे रहे हैं, एक ज़माना था ना कि 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो आधे ज़्यादा मिस कॉल दे रहे हैं, लेकिन नहीं यार इनका भी ज़माना था, हाय हाय। तो चलिए थोड़ी सी हल्की फुल्की झलक हो जाए, क्यों कर दी मिस कॉल पता नहीं। अब आखिरी गाना भाई साहब, ये गाना बड़ा ही प्यारा है, ठीक है शब्दों में मत जाना जज्बातों में जाना, एंड अगर आप उत्तराखंडी हो, ऐसा मैंने मतलब मैं जितने भी पहाड़ों में अक्सर मैं घूमता रहता हूँ, तो हर किसी जो बड़े बुजुर्ग उनके हाथ में बीड़ी का बंडल होता है, उनके हाथ में बीड़ी की सामू बंडल, हाँ और फूकना, सॉरी तो गाना है बीड़ी को बंडला। तो ये थे मेरी जान कुछ चुनिंदा बड़े ही बेहतरीन गाने स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी की याद में, एंड अगर आपको पहाड़ से प्यार है ना तो ज़रूर इनसे प्यार तो होना ही चाहिए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा रहा ये आप भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन गानों से आपको अगर आपका बचपन याद आ रहा है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, कैसे डू कॉमेंट्स, एंड लास्ट में हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, सेम नाम से फेसबुक पे पेज है, लाइक एंड फॉलो तो बनता है बॉस। चलिए नमस्कार।